आप फैक्चुअल में भले ही सॉरी बोल दो, कॉन्सेप्चुअल में सॉरी नहीं बोलना है, समझा के भेजा। उसके बाद जब रिजल्ट आया, जिस दिन उसने रोल नंबर दे दिया, सर मुझे नहीं देखना, आप ही देखिएगा, ठीक है ना। और सच में जब रिजल्ट आया तो मेरे कुछ दोस्त थे, वो आपसे उनका मैं इंटरेक्शन करवाऊंगा, फोर्थ रैंक है वो, उनका भी एक दिन करवाऊंगा, तो वाकई उनका था। मैंने कहा फ़ोन करके हो गया, उसका ये खाना खा रही थी वो लंच में, सर सच में हो गया, बोले हाँ हो गया, रोल नंबर तुम्हारा यही है, हाँ सर है तो यही, नाम भी वही, हाँ नाम भी वही है, ठीक है। तो हुआ कि नहीं हुआ, तो कहने पूरी जर्नी जो मैं बता रहा हूँ उसकी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, कि ये एग्ज़ाम जो है ना, ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आपका मोरल अप एंड डाउन होगा, वो नेचुरल है, नहीं हो रहा तो वो भी गड़बड़ है, वो होगा ही, अपना होप नहीं छोड़ना आपको, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये मेरा तरीका है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक टीम बनाना, बच्चों की एक टीम बनाना, ऐसी टीम जिसमें आप लोग को, जैसे चुन लिया मैंने कि इतने लोग एडमिशन लिए हैं, मेरा पूरा फोकस होगा कि आपको मेरे अंदर जितना सलाहियत है, पोटेंशियल है, ठीक है, मैं चाहूँगा अपना सारा डिलीवर करूँ आपको, आपको बताऊँ कि आप इसको कैसे रखेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और मैं मानता हूँ मेंस की तैयारी पहले, ये तैयारी जो है सिविल सर्विसेज की, ये पीटी की तैयारी पहले नहीं होती, पहले मेंस की तैयारी होती है, क्योंकि अब जो कैलेंडर है उसमें आपको मेंस का समय भी नहीं मिलेगा, अगर आप सिर्फ पीटी की तैयारी करोगे तो डेढ़ महीने में आप क्या कर लोगे। चीज़ें चेंज हो रही है, बहुत ड्रेस्टिक चेंज हो रही है अगर आप, और दूसरी बात है मैं आपका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ, ओरिएंटेशन समझते हैं ना, पहले बीपीएससी की तैयारी जो आप करते थे घटना चक्र लुसेंट क्रॉन वगैरह से पढ़ते थे, हो जाता था, और अभी आपको पेपर दे दिया जाए आप नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपने या जो भी तैयारी करते हैं हम लोगों ने क्या करा, अपना ओरिएंटेशन ऐसा बना लिया है कि हम फैक्चुअल के लिए तो बहुत कंफर्ट फील करते हैं, और जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया या थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आप जो घबरा जाते हैं, हम नहीं कर पाते। इसलिए देखा होगा सर ने ऐसा बताया कि आप कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, यूपीएससी के बच्चों की वजह से बढ़ रहा है, आपकी वजह से नहीं बढ़ रहा। आप, मैं वही चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका जो माइंड है, सोचने का जो तरीका है, उसको चेंज करवा दूँ मैं, ठीक है। आप अगर हिस्ट्री में कुछ पढ़ रहे, इंडस वैली पढ़ रहे हो, तो आप उसके सारे एक्सपेक्ट को तो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, उसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं उसको समझना है, कि क्वेश्चन में अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप लॉजिक लगा के उसको कर सकते हो। तो ये आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके ओरिएंटेशन को चेंज करना। दूसरी बात, ये जो टीम बनेगी उस टीम में मैं चाहता हूँ जो भी फैकल्टी है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी होगी, और हमारा टारगेट यही होगा, क्योंकि आप मेरे लिए एसेट हो, अगर आप आज एडमिशन लेते हो, इनरोल होते हो, आप मेरे लिए एसेट हो, और आप जब आए तो मेरा, मुझे कोचिंग चलानी है, सब कुछ देना है, तो मैं क्या चाहूँगा कि जो बच्चा मेरे पास आया और रिजल्ट दे, मैं चाहूँ तो पैसे दे के एडवर्टीजमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें मैं यकीन नहीं करता। मैं करता हूँ कि अगर प्राची आज हुई है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी एसेट है, ये अपने आप में मेरे लिए ब्रांड है, ठीक है ना। मेरा प्रचार मैं कहीं किसी गाड़ी पे नहीं होगा, प्राची खुद करेगी, अपने रिजल्ट से करेगी। तो मेरी कोशिश ये होगी जितने लोग भी आए सबके पेरेंट्स भेजते हैं पैसा, कोई सबकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है ना, कौन किस बैकग्राउंड से आया है। तो मेरी कोशिश यही होगी परम आईएएस टीम की कि जो भी बच्चा मेरे पास आया है वो मेरी जिम्मेदारी है, और बाकी और फैकल्टी की, कि इस बच्चे को पीटी मेंस इंटरव्यू, मैंने जब से कहा था कि अभी से आप जर्नी शुरू करेंगे तो आपका इंटरव्यू तक जब जाएंगे, आई होप कि आप लोग जरूर जाएंगे, भगवान करे इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगे, तो तब तक आपको लगे कि सर मेरा इंटरव्यू का भी तैयारी हो चुका है, ठीक है ना, और जाएं तो फाइनल सिलेक्शन लेके जाएं। और तब आज ये है प्राची, मैंने पिछली बार इसको ना एक साल हो गया वहाँ पे, छोटा सा क्लासरूम था, लंबा सा, और आज देखो वक्त का देखो पहिया ऐसे घुमा है कि आज ये आपके बीच में है, ठीक है ना। और प्राची को अभी बाकी बातें मैं आपसे बात करूंगा इसके बाद, इस इंटरेक्शन आप लोग क्वेश्चन मिल लिया, आप इसी से मिलने आई हैं, इसी सवाल पूछने आई हैं, और आप इनरोल होंगी तो हमारा आपका तो चलता रहेगा जो प्रोसेस है, ठीक है ना। ये जर्नी है, आप लोग हमारे पैसेंजर की तरह है, मैं आपका पायलट हूँ, ठीक है ना। मेरी जिम्मेदारी होगी कि आप लोगों को अच्छे से जो भी मेरे पास है, जो मैंने इस जर्नी में सीखा है मेरे अंदर, यकीन जानिए एक तरीका होता है कि मैं आऊँ लेक्चर दूँ पढ़ा दूँ, मेरी खाना पूर्ति हो गई, सिलेबस कंप्लीट, जाओ। कुछ बच्चे होंगे हिस्ट्री वाले जानते होंगे, ठीक है, अब जिससे इसको भेज दीजिएगा, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी जो आया है उसको मैं ऐसा अपना दूँ और बाकी फैकल्टी दे। और पहले क्या होता था, क्लास लेके समय नहीं मिलता था, हाँ तो ये है। तो जर्नी की, इस जर्नी में जो भी आप लोग लेके आए एक्सपेक्टेशन, उसका मैं उस अंजाम तक पहुँचाऊँ, आपको सिलेक्शन दिलवाऊँ, और आप जब क्लास करेंगे चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो प्लान बनाया सॉरी टू मेंस बैच का, उसमें हम लोगों ने पूरा रिग्रेस रखा है, टेस्ट सीरीज। आप अभी कुछ बच्चे मुझे फाउंडेशन कह रहे सर हाथ नहीं चल रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता आपको, आप पीटी क्लियर कर लोगे, आपका हाथ नहीं चल, लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं। लेकिन आपको बोल दूं कि लेटर लिख दो किसी को, ठीक है ना, वो तुरंत लिख दोगे, क्यों पता है, ओरिएंटेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच नहीं है चीज़ों के बारे में। आपसे क्वेश्चन एक पूछा था कि हाल में पूछा था ना सुप्रीम कोर्ट का जेंडर वाले पे, एक देखा आप लोगों ने कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लीगल प्रैक्टिस में, डेरिवेटरी है उसको बोला, 43 वर्ड्स हैं टोटल, है ना, उसको बोला खत्म करने के लिए, बोलो लिखने के लिए नहीं लिखोगे, क्यों, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आपका ओपिनियन नहीं बना हुआ है, समझो ना, लिव इन रिलेशनशिप पे पूछ ले आपको, आप जानते तो ये होता है, लेकिन बोला इसके दोनों एक्सपर्ट को लिखना है, पक्ष में भी विपक्ष में भी, और लास्ट में क्या करना है, बैलेंस, हमेशा बताया कोई भी आंसर लिखोगे बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं जाना है, आप किसी को पसंद